हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में बात की थी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, यानी ग्रहण है वो क्या होते हैं। इस वीडियो में ये बात करेंगे ज्वार भाटा है वो क्या होता है। ओके, ज्वार भाटा है वो क्या होता है। ज्वार भाटा कहाँ पर आता है, यानी समुद्र के अंदर है वो ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा कब आता है, अमावस्या को, पूर्णिमा को आता है और अष्टमी को आता है। तो अमावस्या पूर्णिमा को ही क्यों आता है, अष्टमी को ही क्यों आता है, यानी कि जो ज्वारभाटा है इसके दो प्रकार बताए हैं। एक तो है दीर्घ ज्वार भाटा। ओके, दो नंबर पर है लघु ज्वारभाटा। लघु ज्वार भाटा, ये दोनों अलग अलग क्यों है, क्योंकि जो ज्वार भाटा है, दो ज्वार भाटा होते हैं, मान ली दो ज्वार भाटा आ रहे हैं तो वो कितने समय अंतराल के बाद आएंगे, यानी 12 घंटे, ये आपको याद रखना है, 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर दूसरा ज्वार भाटा आएगा। यानी कि यह भी कह सकते हैं कि दो ज्वार भाटाओं के बीच में समय अंतराल है वो होता है 12 घंटे 26 मिनट। और ज्वार भाटा की खोज है वो किसने की थी, यानी एक सिद्धांत है परगामी परगामी तरंग सिद्धांत, परगामी तरंग सिद्धांत, यह सिद्धांत है वो किसने दिया था, विलियम वेवेल ने दिया था। ओके, ज्वार भाटा की खोज की थी परगामी तरंग सिद्धांत के द्वारा विलियम वेवेल ने। ये दो प्रकार का होता है, दीर्घ ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा, ये क्या होता है ये भी बात करेंगे। और दो ज्वार भाटाओं के बीच में अंतराल है वो होता है 12 घंटे 26 मिनट का। अब दीर्घ ज्वार भाटा है वो क्या होता है दोस्तों, दीर्घ ज्वार भाटा है वो पूर्णिमा को और अमावस्या पाता है। ओके, जो दीर्घ ज्वार भाटा है वो पूर्णिमा और अमावस्या पाता है। पूर्णिमा होता है वो व्युति कहलाता है, व्युति, और अमावस्या का जो है वो युति कहलाता है। जो पूर्णिमा वाली स्थिति है और अमावस्या वाली स्थिति है, पूर्णिमा वाली स्थिति है वो व्युति कहलाती है और अमावस्या वाली स्थिति है वो युति कहलाती है। ओके, तो इसके अंदर बताया था आपको चंद्र ग्रहण है वो भी पूर्णिमा को होता है और अमावस्या को है वो सूर्य ग्रहण होता है। तो अब इसमें देखेंगे कि दीर्घ ज्वार भाटा है वो क्या होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में बताया था आपको, सबसे पहले बताएंगे हम पूर्णिमा को, पूर्णिमा को ज्वार आता है वो किस तरह से आता है। ओके, तो ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है, यहां पर पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और इस साइड में क्या है, चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। तो ये जो पृथ्वी के साइड में आएगा पानी, यानी समुद्र होगा, इस साइड में समुद्र होगा, इस साइड में समुद्र होगा। ज्वार भाटा वो चीज होती है जो दिन में पानी है वो ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, इस अंतराल में क्या होता है, समुद्र के अंदर है वो जो मीटर लगे होते हैं उसमें पता चलता है कि 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल में ज्वार भाटा आ रहा है, कितना पानी ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी को इस साइड आकर्षित करेगा, और सूर्य है, यानी ये सूर्य है, ये सूर्य अपनी ओर पृथ्वी को आकर्षित करेगा। तो पानी है वो पानी अपनी जगह हलचल करेगा। तो जो दीर्घ ज्वार भाटा है, यानी जो बड़ा हम ज्वार भाटा बोल सकते हैं, एक छोटा होता है वो लघु होता है और दीर्घ ज्वार भाटा है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो वो ज्वार भाटा है, दीर्घ ज्वार भाटा, वो सिर्फ पूर्णिमा और चंद्रमा को ही आता है। अगर चंद्रमा यहां पर आ जाए तो भी ये आकर्षित करेंगे और वो दीर्घ ज्वार भाटा होगा। ओके, अब लघु ज्वार भाटा है वो क्या होता है, लघु ज्वार भाटा है वो क्या होता है, लघु ज्वार भाटा में क्या होता है, पृथ्वी के इस साइड में तो चंद्रमा आ गया, इस साइड में भी आ गया, वो दोनों क्या है, दीर्घ ज्वार भाटा है। लेकिन चंद्रमा अगर इस साइड में है और इस साइड में है, ओके, यहां पर क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है, यहां पर चंद्रमा है, यहां पर भी चंद्रमा है,
और ये क्या है, पृथ्वी है। अब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य है, ये एक समकोण बनाती है, ये समकोण बनाती है, ये बनाती है अष्टमी को। अष्टमी, अष्टमी को क्या होता है, लघु ज्वार बटा आता है, लघु ज्वार बटा। अष्टमी को क्यों आता है, यानी शुक्ल पक्ष दोनों में आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यानी कि दोस्तों चंद्रमा है वो यहां पर भी आएगा और घूमते हुए यहां पर भी आएगा, तो दोनों स्थिति है वो अष्टमी पर होती है, अष्टमी पर होते हुए समकोण बनाएगी। और यह जो पानी होगा समुद्र का, जो इस साइड में पानी होगा इस साइड में पानी होगा, तो चंद्रमा आपकी ओर आकर्षित करेगा पृथ्वी को और सूर्य अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर भी जो पानी है वो भी अपना स्तर है वो ऊंचा और नीचा करेगा, तो वो स्थिति क्या होगी, ज्वार भाटा होगी। तो यहाँ पर पानी है वो ऊंचा नीचा जाएगा तो ज्वार भाटा होगा, यहाँ पर भी ज्वार भाटा होगा, लेकिन कम होगा, लघु होगा, यानी कम यानी छोटा होगा, जो ज्वार भाटा होगा वो छोटा होगा। दीर्घ ज्वार भाटा में क्या होता है, तीनों सीध में होते हैं तो पानी है वो हलचल ज्यादा करता है, इसलिए ज्वार भाटा है वो दीर्घ होता है, एक बड़ा ज्वार भाटा होता है और छोटा ज्वार भाटा है वो अष्टमी होता है। ये स्थिति है यानी समकोण की जो स्थिति है ये क्या होती है, अष्टमी को होती है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही जो पक्ष है उसमें अष्टमी आती है, तो अष्टमी के अंदर लघु ज्वार भाटा होता है। ये स्थिति है वो लघु ज्वार भाटा की है। और पिछली बार हमने बताया था यहाँ पर क्या होता है, चंद्रमा होता है, दोनों बार अगर तीनों सीध में है तो दीर्घ ज्वार भाटा, अगर समकोण पर है तो लघु ज्वार भाटा। ये ज्वार भाटा आपको समझ में आ गया होगा, परगामी तरंग सिद्धांत के द्वारा विलियम वेबल ने ये सिद्ध किया था ज्वार भाटा।